मेरा नाम रोशनी है और मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ जैसे जैसे मेरी बेटी जवान हो रही थी वो हमेशा ही अपने कमरे में बंद रहकर पढ़ाई करती रहती थी और मैं अपनी बेटी की इस बात से बहुत खुश थी कि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी वो हमेशा से ही अच्छे मार्क्स लाती थी मेरे पति इस दुनिया से जा चुके थे एक रात मैंने सपने में अपने पति को देखा वो मुझसे कहने लगे कि दो तीन दिन तुम बेटी के कमरे में छुप जाना और रात भर देखना वो अपने कमरे में क्या करती है मैंने ऐसा ही किया लेकिन जो मेरी आंखों के सामने आया उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी मैं अपने मरे हुए पति की बात को टाल नहीं सकती थी लेकिन मेरी हैरानगी की हद जब हुई जब रात के ढाई बजे मैं अपनी बेटी के कमरे में अलमारी के पीछे छुप गई थी मेरी बेटी ने जो किया उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे मैं 28 साल की थी जब मैं विधवा हो गई थी और मेरी शादी इक्कीस साल की उम्र में ही हो गई थी मैं अपने पति से बहुत प्यार किया करती थी इसलिए मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की और सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम से ही जिंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया था मैं एक सात साल की बच्ची की माँ थी जिसकी परवरिश मैंने खूब दिल लगाकर और प्यार से की थी कि जब मरने के बाद मैं अपने पति को मुंह दिखाऊं तो उनके सामने गर्व से ये कह सकूं कि मैं आपकी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से कर कर आई हूं। भगवान की कृपा है कि मेरी बेटी अब 20 साल की हो चुकी है और अब आस पास के लोग मुझसे कहते हैं कि संतान एक होनी चाहिए पर अच्छी होनी चाहिए जैसे कि तुम्हारी बेटी है लोग मेरी बेटी की बहुत तारीफ़ किया करते थे और साथ ही साथ मेरी परवरिश की भी ये बातें सुनकर मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है मेरी बेटी डिम्पी सच में बहुत ही अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की है वो सारा सारा दिन पढ़ाई करने में ही बिजी रहती है और सारी रात भी वो पढ़ाई करती रहती है वो जब इतनी ज़्यादा पढ़ाई करती है तो मेरे दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो जाता है फिर मुझे उस रास का ख्याल आता है जो मैंने अपनी बेटी से छुपा रखा है मुझे डर है कि कहीं इस वजह से मेरी और मेरी बेटी के रिश्ते के बीच कोई दरार पैदा ना हो जाए लेकिन मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी अभी उसे यह राज नहीं बता सकती थी इसीलिए दिल की बात दिल में ही रखकर बैठी हुई हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए मैं अपनी बेटी की शादी इंटर की पढ़ाई पूरा होने तक कर देना चाहती हूं, ताकि वो इस राज तक न पहुंच जाए जो मैंने उसे छुपाया हुआ है लेकिन मेरी बेटी अभी आगे और पढ़ना चाहती है जब भी मैं डिम्पी से शादी की बात करती हूँ तो फौरन ही वो शादी से इनकार कर देती है कि अभी उसे और पढ़ाई करनी है और वो पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना चाहती है एक दिन मैं शाम का खाना बना रही थी तब मेरे पति के एक पुराने दोस्त का फ़ोन आया था वो हमें अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन दे रहे थे और कह रहे थे कि जल्द से जल्द आप हमारे घर अपनी बेटी को लेकर आ जाना हमारा उनसे मिलना जुलना बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे पति के दोस्त की पत्नी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी हम दोनों एक साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे उन्होंने कहा कि मेरी इकलौती बेटी संजना की शादी है इसलिए हम आपको एक महीना पहले ही अपने घर बुलाना चाह रहे हैं मैं इस बात से बहुत खुश हो गई थी मैं कहने लगी संजय भाई साहब आप फिक्र मत करो मैं बहुत जल्द आपके घर पर आ जाऊंगी, क्योंकि संजना मेरे पति के दोस्त की बेटी होने के साथ साथ मेरी दोस्त की भी बेटी थी दरअसल मेरा शुरू से ही इरादा था कि संजय भाई साहब मेरी डिम्पी की शादी अपने छोटे बेटे के साथ कर देते क्योंकि वो मेरी बेटी की उम्र का ही था और उसकी जॉब भी बहुत अच्छी लगी हुई थी और मैं शुरू से ही संजय भाई साहब के छोटे बेटे को पसंद करती थी वो देखने में भी अच्छा था उसकी और डिम्पी की जोड़ी एक साथ बहुत अच्छी लगेगी संजय भाई साहब के दो ही बच्चे थे बेटी की शादी तो अब हो रही थी उसके बाद बेटा था मेरी बेटी उस घर में बहुत खुश रहती मैंने जल्दी से खाना बनाया और उठकर कर डिम्पी के कमरे की तरफ जाने लगी मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि डिम्पी ने तो अपना कमरा अंदर से लॉक किया हुआ था मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया तो कुछ देर के इंतज़ार के बाद दरवाज़ा खुल गया था मेरी बेटी को पसीना आ रहा था और वो बहुत घबराई हुई लग रही थी मैं कहने लगी क्या बात है डिम्पी तुमने दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद किया हुआ था और इतनी देर से क्यों खोला है वो कहने लगी माँ मैं बाथरूम में नहा रही थी मैंने कहा अच्छा छोड़ो ये सब इधर आओ और मेरे पास आकर बैठ जाओ मैं अपनी बेटी का हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसे अपने साथ सोफे पर लेकर बैठ गई मैं कहने लगी तुम्हें पता है बेटा तुम्हारे फेवरेट संजय अंकल का फ़ोन आया था वो हमें संजना की शादी के लिए बुला रहे हैं तुम अपनी पैकिंग शुरू कर देना दो दिन के बाद ही यहाँ से निकल जाएंगे ये सुनकर डिम्पी के चेहरे का रंग उड़ गया था वो कहने लगी माँ मैं नहीं जा सकूंगी मुझे उसकी बात सुनकर एकदम गुस्सा आ गया और मैं कहने लगी क्यों तुम क्यों नहीं जाओगी कहने लगी माँ मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं मुझे अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और मैं किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई को छोड़कर नहीं जा सकती मैं कहने लगी बेटा बात को समझा करो तुम अपनी सारी बुक्स वहाँ ले जाना वहाँ जाकर आराम से पढ़ाई कर लेना इसमें कौन सी बड़ी बात है मगर शादी पर जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए संजना के भाई पराग को पसंद कर लिया है तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे तो ही बात आगे बढ़ेगी वो खाली आंखों से मुझे देखकर कहने लगी माँ मैं शादी के काबिल नहीं रही हूँ मुझे डिम्पी की ये बात बहुत बुरी लगी थी मैं गुस्से में होकर कहने लगी क्या मतलब है तुम्हारा वो घबरा गई और कहने लगी माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ मैं उसकी ये बात सुनकर बस उसको घूरती रह गई थी अगले दिन भी मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी बेटी शादी में जाने के लिए राजी हो जाए क्योंकि मैं उसको शादी में लेकर जाना चाहती थी मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुम शादी पर नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी थी मैं पहले से ही अपनी फ्रेंड कल्पना के घर जाना चाहती थी लेकिन अपनी बेटी को मनाने की वजह से नहीं जा पाई थी जबकि अब शादी में सिर्फ पाँच दिन ही रह गए थे मजबूरन मुझे अपनी ही सारी तैयारी करनी पड़ी थी मैं अपने पति के पुराने दोस्त और अपनी पुरानी दोस्त के साथ इस पुरानी दोस्ती को बिगाड़ना नहीं चाहती थी मैंने डिम्पी से कह दिया था कि मैं पड़ोस में कह जाऊंगी कि वो एक हफ्ते के लिए तुम्हारे साथ रह लें डिम्पी चिड़ते हुए कहने लगी माँ मुझे किसी पड़ोसन की ज़रूरत नहीं है मैं अकेले भी रह सकती हूँ अगर उन्होंने मेरे कमरे में सोने की जिद की तो मैं क्या करूँगी मुझे स्टडी करने में प्रॉब्लम आएगी मैं गुस्से से कहने लगी डिम्पी तुम जानती हो कि स्टडी करने के साथ साथ अपने पेरेंट्स की इज्जत करना भी और उनकी बात को मानना भी बहुत ज़रूरी होता है फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे कमरे में ऐसी कौन सी चीज़ लगी हुई है जो वो तुम्हारे कमरे में सो नहीं सकती तुम्हें अगर पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम आए तो तुम बाहर सोफे पर बैठ पढ़ाई कर लेना डिम्पी कहने लगी माँ आप तो जानती हो मैं अपने कमरे में अकेले रहकर ही अपनी पढ़ाई करती हूँ तभी मेरा अच्छा फोकस मेरी पढ़ाई पर रहता है इसलिए मैं किसी की मौजूदगी में डिस्टर्ब होती हूँ मैं कहने लगी अच्छा चलो ठीक है पड़ोसन मेरे कमरे में सो जाया करेगी और तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर लेना बड़ी मुश्किल से शादी पर जाने की तैयारी कम्प्लीट हुई थी मैं जानती थी कि संजय भैया और कल्पना डिम्पी के बारे में मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि डिम्पी शादी में क्यों नहीं आई जैसे ही मैं शादी वाले घर में पहुंची, तो संजय भाई साहब कहने लगे अरे भाभी आप मेरी डिम्पी बेटी को क्यों नहीं लेकर आई और उनकी इस बात में कल्पना भी हामे हाँ मिलाने लगी मैं डरते डरते कहने लगी वो मेरी बेटी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहती है उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं इसलिए वो नहीं आ सकी कहने लगी जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तब मैं संजय अंकल और कल्पना आंटी के यहाँ पर चली जाऊंगी बस इसीलिए नहीं आई लेकिन वो बाद में आ जाएगी जब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे संजय भाई साहब कहने लगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है और कल्पना भी कहने लगी रोशनी तुमने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की है फिर संजय भाई साहब मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे भाभी शादी वाला घर है और ख़ुशी का मौका है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपको एक खुशखबरी सुना दूँ मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने मरे हुए दोस्त की बेटी को अपने घर की बहू बना लूं, अपने पराग की पत्नी के रूप में डिम्पी को देख लूं। इस बात पर कल्पना भी बहुत खुश हो रही थी कल्पना ने कहा कि जैसे ही संजना की शादी की रस्में खत्म हो जाएंगी तो मैं तुम्हारे घर डिम्पी का रिश्ता लेकर आऊंगी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे मैंने संजय भाई साहब और कल्पना से कहा कि आप दोनों ने तो मेरे दिल की बात कह दी है ये खबर सुनकर तो मैं बहुत खुश हूँ संजय भाई साहब तो खुश होकर आगे बढ़ गए थे लेकिन कल्पना ने मुझे गले लगा लिया था और कहने लगी हमारी दोस्ती को अब हम रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं इस तरह से हमारी दोस्ती आगे तक कायम रहेगी संजना की शादी में खूब मज़ा आया था शादी अच्छी हो गई थी और शादी पूरी होने के बाद मैं अपने घर पर वापस आ गई थी पड़ोसन तो मेरी बेटी से बहुत खुश हो रही थी कहने लगी मैंने तुम्हारी बेटी जितनी अच्छी और समझदार लड़की कहीं नहीं देखी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी मैंने अपनी पड़ोसन अंजलि का शुक्रिया कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी का ख्याल रखा मैंने उसको कुछ गिफ्ट भी दिए और उसके बाद वो अपने घर चली गई थी मैंने डिम्पी से कह दिया था कि संजय अंकल और कल्पना आंटी ने पराग के लिए तुम्हारा हाथ मांग लिया है वो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उनके बेटे पराग के साथ हो जाए डिम्पी मेरी बात सुनकर खुश नहीं हुई थी वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखकर कहने लगी माँ आपने हमेशा से ही मुझे सिर्फ मेरे पापा के एक ही फ्रेंड के बारे में बताया है जबकि मेरे पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स थे मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे घर संजय अंकल के साथ साथ अनुराग अंकल भी आया करते थे लेकिन जिस दिन से पापा की मौत हुई उसके बाद से ही अनुराग अंकल ने हमारे घर पर आना बंद कर दिया क्या पापा के मरने के साथ साथ ही अनुराग अंकल भी मर गए जो आपने कभी उनके बारे में कोई बात नहीं की डिम्पी ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया था मैं गुस्से से कहने लगी हाँ नहीं बताया मैंने तुम्हें अनुराग के बारे में तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा ने मुझसे लव मैरिज की थी तुम्हारे पापा की फैमिली वाले हमारी शादी नहीं कराना चाहते थे जबकि तुम्हारे अनुराग अंकल का हमारे घर पर बचपन से आना जाना था हमारी शादी के कुछ महीनों पहले ही अनुराग की भी शादी हो गई थी तुम्हारे पापा के मरने के बाद अनुराग की पत्नी ने मेरे घर में इतने ज़्यादा फसाद फैलाए थे कि मेरे ससुराल वाले मुझसे नफरत करने लगे थे और वो मुझे घर से निकालना चाहते थे और मैं बेसहारा थी क्योंकि मेरे माता पिता नहीं थे मैं बेसहारा कहाँ जाती किसी ने मेरी बात पर यकीन भी नहीं किया था जिस तरह से कान अनुराग की पत्नी ने मेरे ससुराल वालों के भर दिए थे वो लोग मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे बल्कि उन लोगों को मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं था मैं डट गई और कहने लगी कि ये घर मेरे पति का है मैं अपने पति के घर से नहीं जाऊंगी उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था और फिर आखिरकार मैं भी हिम्मत हार गई थी क्योंकि तुम मेरे साथ थी जिस दिन मैं घर से निकलने लगी थी उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे पति के बचपन के दोस्त अनुराग भाई साहब और उनके परिवार से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा क्योंकि उनकी पत्नी की ही वजह है जो मैं बेसहारा हो गई उस टाइम तुम पाँच साल की थी मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाए थे पता है किसके कहने पर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे अनुराग अंकल की पत्नी के कहने पर जबकि अनुराग भाई साहब अच्छे से ये बात जानते थे कि मैं गलत नहीं हूँ मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी उनकी पत्नी के कहने पर उनकी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं खूबसूरत थी और जबकि वो खूबसूरत नहीं थी इसीलिए वो मेरी खूबसूरती से जलती थी और उन्होंने मेरे ससुराल वालों को अपनी तरफ कर लिया वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे चाचा जी ने मेरा और तुम्हारा ख्याल करते हुए हमें उस घर से हिस्सा दिलवा दिया जिनके पैसों से हमने ये घर खरीद लिया तुम्हारे दादा दादी तो वैसे भी मतलब ही लोग थे तुम्हारे पापा की सैलरी अच्छी थी वो अपने माता पिता को भर भर कर पैसे दिया करते थे तो हम लोग उनके लिए अच्छे थे लेकिन जब तुम्हारे पिता मर गए तो उनकी बेटी और पत्नी उनके लिए बुरी हो गई थी तुम्हारे चाचा चाची बहुत अच्छे लोग हैं इसलिए वो हमारे घर पर आना जाना रखते हैं और मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा साथ भी दिया लेकिन तुम्हारे दादा दादी तो अनुराग की पत्नी के कहने में आ गए थे और उन्होंने अपने घर से हमें निकाल दिया था क्योंकि अनुराग की पत्नी ने हमारे घर में आग जो भड़का दी थी तुम्हारे दादा दादी ने काफ़ी कोशिश की कि वो तुम्हें अपने पास रखना चाहते थे लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया तो मुझे धमकाने लगे वो तुम्हें मुझसे ज़बरदस्ती छीन लेंगे मैं उनकी धमकियों को देख हैरान रह गई थी इसलिए मैंने पुलिस में जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी पुलिस जब तुम्हारे दादा दादी के घर गई तो तुम्हारे चाचा ने बात को संभाल लिया और पुलिस को वापस भेज दिया क्योंकि वो समझदार थे और इस तरह से उनकी और उनके परिवार के सारे लोगों की गांव में बेइज्जती हो सकती थी इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को बहुत समझाया कि वो हमें सुकून से जीने दें उसके बाद से तुम्हारे दादा दादी ने हमारा पीछा छोड़ दिया था और हम सुकून भरी ज़िंदगी जीने लगे थे मैं इस घर में पूरी तरह से शिफ्ट हो गई थी उस दिन के बाद भी वो लोग कभी कभी तंग करने के लिए आ जाया करते थे लेकिन तुम्हारे चाचा बात को संभाल लेते थे उन लोगों ने मुझे तंग करने की बहुत कोशिश की वो मुझे डराते धमकाते थे यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अदालत से तुम्हारी कस्टडी लेने के लिए भी ब्लैकमेल कर लिया था मगर बड़ी मुश्किल से उस टाइम में तुम्हारे चाचा ने सारी बात को संभाल लिया था अगर वो मेरा सहारा न बनते तो आज तुम और मैं किसी के घर में झाड़ू बर्तन कर रहे होते मैंने इसीलिए आज तक तुम्हें अपने दादा दादी अनुराग और उसकी पत्नी के बारे में नहीं बताया मैंने ऐसा इसीलिए नहीं किया था ताकि तुम्हारा दिल उनकी तरफ से मैला न हो जाए ये बात सुनकर डिम्पी का चेहरा उतर गया था वो बहुत परेशान हो गई थी और मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी मुझे पिछले दिनों की परेशानियाँ आज भी याद आती थीं और अपने पति की भी बहुत याद आती थी मेरी अलमारी में मेरे पति के लव लेटर और उनके साथ मेरी फोटो ये सारी निशानियाँ मेरे पास आज भी रखी हुई थी मैं एक एक चीज को देखकर रोती जा रही थी मैं अपने मृत पति के लव लेटर पढ़कर रोती तो कभी उनको चूमने लगती थी मैं हर चीज़ बड़े ध्यान से देख रही थी तभी अचानक मेरी नज़र उनकी डायरी पर पड़ी इनमें से एक डायरी गायब थी जो मेरे पति की थी और मेरे पति को डायरी लिखने का बड़ा शौक था वो रेड कवर वाली डायरी न जाने कहाँ चली गई थी मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी और मैंने सारी अलमारी में उस डायरी को ढूंढ लिया था यहाँ तक कि अपने कमरे की पूरी तलाशी ले ली थी लेकिन वो डायरी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी फिर मेरे दिल में खयाल आया कि कहीं वो डायरी डिम्पे के हाथ तो नहीं लग गई क्योंकि उस डायरी में डिम्पिके की जिंदगी का सबसे बड़ा राज लिखा हुआ था मेरी बेटी कॉलेज भी जाती थी और वहाँ से आकर भी वो सारा दिन पढ़ाई किया करती थी मेरी हर बात को मानती थी मगर पिछले एक महीने से मेरी बेटी बहुत परेशान लग रही थी और बहुत ही अजीब व गरीब हरकत करने लगी थी उसने सब कुछ छोड़ दिया था बस हमेशा चिड़चिड़ी रहने लगी थी वो मेरी बात भी नहीं मानती थी मैं उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी इसलिए मैंने सोचा कि इसी टाइम मैं उसके कमरे की तलाशी लूँगी मैं ये सारी बातें रात भर सोचती रही थी इसी तरह से सोचते सोचते सो भी गई थी मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी जब मुझे सपने में मेरे पति मिलने आए थे वो कहने लगे रोशनी तुम दो तीन दिन मेरी बेटी के कमरे में छुप उसे देखना कि वो क्या करती है जब मेरी आँख खुली तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये कैसा सपना था इस सपने ने तो मुझे चौंका कर रख दिया था मेरे पति बहुत सालों बाद मेरे सपने में आए थे और सपना भी कितना अजीब सा था मुझे एकदम सही फिक्र होने लगी थी कि कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं इसलिए मैं जल्दी से उठकर अपनी बेटी के कमरे की तरफ़ जाने लगी थी दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि रात के इस टाइम पर मेरी बेटी का कमरा अंदर से लॉक था न जाने वो इस तरह की अजीब हरकतें क्यों करने लगी थी इससे पहले तो कभी उसने कमरे को लॉक नहीं लगाया था सुबह हुई तो मैं डिम्पी से कहने लगी तुमने रात में अपने कमरे के दरवाजे को लॉक क्यों किया था मेरी बात सुनकर वो मुझसे घबराते हुए कहने लगी माँ आप क्या रात भर मेरी जासूसी करती रहती हो मैंने बात को मजाक में टालने की कोशिश की इसलिए मैं हंसकर कहने लगी नहीं बेटी वो तो बस रात को मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई थी वो कहने लगी मुझे पता नहीं कि आपको रात में डर लग रहा था या नहीं मगर अब मुझे आपसे बहुत डर लगने लगा है मैं हंस दी थी लेकिन जो मेरी बेटी का बिहेवियर था और मेरे पति का सपना ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहा था मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने मरे हुए पति की बात को नहीं डाल सकती उसी रात मैं अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसकी अलमारी के पीछे छुप गई थी मेरी बेटी जैसे ही कमरे में आई तो वो अपनी बुक्स खोल कर पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी वो तो अपनी स्टडी करने में बिजी थी जबकि मैं अलमारी के पीछे से खड़े होकर छुप कर उसे देख रही थी सारी रात मेरी बेटी पढ़ाई करने में बिजी रही थी सुबह के लगभग छः बजे उसने अपनी किताबों को बंद किया और वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई थी और सो गई थी जबकि मेरी बेटी सुबह के आठ बजे कॉलेज जाती थी इसलिए सिर्फ एक घंटे ही सोती थी लेकिन सारी रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो मुझे चौंका देता सुबह जब मेरी बेटी आठ बजे अपने कॉलेज जाने के लिए उठी और नहाने के लिए बाथरूम में चली गई तब मैं जल्दी से भागी और अपने कमरे में आ गई थी सारी रात खड़े रहने की वजह से मेरे पैरों में बुरी तरह से दर्द हो रहा था और मेरा शरीर भी टूट रहा था मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं एक छोटे बच्चे की तरह एक सपने के पीछे क्यों पड़ गई हूँ मैंने सोचा कि कल रात मैं अपने सपने की वजह से ज्यादा ही घबरा गई थी इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं रात के टाइम डिम्पी के कमरे में नहीं जाऊंगी लेकिन जैसे ही रात हुई और मैं अपने कमरे में लेटी थी तभी मेरे कानों में बार बार अपने पति की आवाज़ सुनाई देती रही थी जैसे वो मुझसे कह रहे हों कि जाओ रोशनी डिम्पी के कमरे में चली जाओ मैं अपने फैसले पर ज्यादा देर तो नहीं ठहर सकी थी इसलिए मैं रात होते ही एक बार फिर से अपने बेटी के कमरे में जाकर उसकी अलमारी के पीछे छुप गई थी आज तो मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मगर मैं बर्दाश्त करती रही और खड़ी रही मैंने तो कभी अपने पति की बात को नहीं टाला था जब वो ज़िंदा थे और मुझसे बहुत प्यार किया करते थे आज मैं कैसे उनकी बात को टाल सकती थी सारी रात में इसी तरह से अलमारी के पीछे खड़ी रही थी और मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी एक के बाद एक किताबों को पढ़ रही थी इसी तरह से दूसरी रात भी गुजर चुकी थी मैं सुबह फिर अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि शायद ये सपना मुझे इसलिए आया हो कि मैं रोज़ अपने पति की यादों में खोई रहती हूँ और उनकी फ़ोटो को बार बार देखती हूँ इसलिए मेरे पति की यादें मेरे दिमाग पर सवार हो गई शायद इस सपने की कोई हकीकत ही ना हो मैंने सोच लिया था कि अब मैं सपने की वजह से अपनी बेटी पर शक नहीं करूँगी मैंने थोड़ा सा आराम किया और उठकर नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई थी नाश्ता बनाकर मैंने सोचा चलो डिम्पी के लिए भी नाश्ता बना देती हूँ मैं जैसे ही उसके कमरे में उसे नाश्ता देने के लिए गई मैं अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे तक ही पहुँची थी तभी उसके कमरे से आती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी वो रो रही थी और मैं घबरा गई कि ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया और वो इस तरह से क्यों रो रही है वो रोते हुए कहने लगी मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आई जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती ये बात सुनकर तो मैं दंग रह गई थी मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो ये देखकर फिर से हैरान रह गई थी कि, कि कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से लॉक था मैंने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया कुछ ही देर के बाद डिम्पी ने दरवाज़ा खोल दिया था वो कहने लगी माँ आपको क्या हो गया आप इस तरह से मेरे कमरे का दरवाजा क्यों पीट रही हो मैं दरवाजा खोलने के लिए आने ही वाली थी लेकिन आप तो को बुरी से पीट रही हो जैसे कोई भुकम पाया हो. पहले तो मैंने सोचा कि पूछ लूं, कि ये साथ कर रही थी मगर जब उसके हाथ में मैंने उसके पिता की फोटो देखी तो मैं सब कुछ समझ गई थी वो शायद अपने पिता की याद में खोई हुई थी और अपने पापा को मिस कर रही थी लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था मैंने डिम्पी से कहा यह रहा तुम्हारा नाश्ता तुम अपने कमरे में ही कर लो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई थी और मैंने नाश्ते की ट्रे डिम्पी के हाथ में दे दी उसने बिना कुछ कहे ही फोटो को साइड पर रख दिया और नाश्ता करने के लिए बैठ गई थी मैं बड़ी परेशान हो गई थी और बुरी तरह से उलझ गई थी मैंने सोचा कि चलो आज आखिरी रात है आज भी मैं जाकर डिम्पी के कमरे में अलमारी के पीछे छुप जाऊंगी आज और उसके कमरे में छुप देख लेती हूँ फिर से रात हुई तो मैं अपनी बेटी के कमरे में जाकर अलमारी के पीछे छुप गई थी मेरी बेटी रोज की तरह ही चेयर पर बैठकर टेबल पर अपनी रखी हुई बुक्स को खोलकर पढ़ने लगी थी और अपनी पढ़ाई में इतनी बिजी हो गई थी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक डिम्पी के कमरे की खिड़की पर दस्तक होने लगी थी मैं हैरान रह गई थी कि इतनी रात को और इस टाइम पर आखिर खिड़की से कौन आ सकता है डिम्पी ने जल्दी से अपनी बुक्स को बंद किया और खड़ी होकर खिड़की की तरफ जाने लगी और उसने खिड़की को खोल दिया मुझे किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी थी मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था डिम्पी रोने लगी थी और कहने लगी आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए हो जानते हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं आज आपको फ़ोन नहीं करती तो शायद आप आज भी यहाँ पर नहीं आते मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई सुबह जब आपसे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी तो अचानक ही माँ आ गई थी मुझे हंड्रेड परसेंट यकीन है कि माँ ने ज़रूर हमारी बातें सुन ली होंगी इसलिए मैंने जल्दी से अपने हाथ में पापा की फ़ोटो पकड़ ली थी ऐसा इसीलिए किया ताकि माँ ये समझे कि मैं अपने पापा की फ़ोटो से बातें कर रही थी और ये देख मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी मुझे अपनी बेटी की बातों पर हैरानी हो रही थी तभी मुझे एक लड़के के हंसने की आवाज़ सुनाई दी थी वो हंसते हुए कहने लगा कि तुम आज बाल बाल बज गई हो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे साथ चलो तुम मेरे साथ भी नहीं जाती हो और हमेशा मुझे याद करके रोती भी रहती हो इससे ज़्यादा और कुछ सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं काफ़ी देर से इन दोनों की ऐसी बेतुकी बातों को सुन रही थी इसलिए मैं जल्दी से अलमारी के पीछे से निकल आई थी और इन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो गई इन दोनों की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो मुझे अपनी फटी हुई आंखों से देख रहे थे डिम्पी आगे बढ़कर कहने लगी माँ आपने कैसी हरकत की है आप यहाँ क्या कर रही हो आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के कमरे में छुपने से आप इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती हो मुझे अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था डिम्पी शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा मुझ पर ही चढ़कर दौड़ रही थी तभी मैं चिल्ला कहने लगी बंद करो अपनी बकवास को अगर मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो तुम्हारी जबान को खींच लूंगी तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम घर में इस लड़के को बुला रही हो कौन है ये लड़का तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से झूठ बोलते हुए और अपने पिता की इज्जत को खाक में मिलाते हुए मैं तो कभी मरकर भी ये नहीं सोच सकती थी कि तुम इतनी गलत निकलोगी फोन पर रो रो के अपने आशिक को घर बुलाओगी और इस लड़के को तो देखो बगैरत यहाँ से भाग भी नहीं रहा आंख से आंख मिलाकर खड़ा हुआ है ये यही सोच रहा होगा कि एक बेसहारा और बूढ़ी औरत हमारा क्या बिगाड़ लेगी डिम्पी कहने लगी माँ ये मेरा आशिक नहीं बल्कि ये मेरा पति है हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि आखिर मेरी बेटी ये सब कुछ क्या कह रही थी मैंने कहा बगैरत लड़की तुम्हें सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आती कौन है ये लड़का कैसे जानती हो तुम इसको ये सुनकर डिम्पी रोने लगी और बताने लगी कि हाँ माँ मैं सच कह रही हूँ ये मेरा पति है इसके बारे में मुझे अपने पापा की डायरी से पता चला था और उसी डायरी पर इसके घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था इसका नाम राज है पापा की डायरी में राज के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई थी और अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ हम दोनों बहुत छोटे थे और हम दोनों बचपन से पक्के फ्रेंड्स थे हम दोनों एक साथ खेलते थे पापा ने मेरा और राज का रिश्ता फिक्स कर दिया था यह अनुराग अंकल का बेटा है डायरी में लिखा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी मेरे दोस्त के बेटे राज के साथ हो जाए और मेरी बेटी के पैदा होने के बाद मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मेरी बेटी जवान होने के बाद तुम्हारे बेटे राज की पत्नी बनेगी और तुम्हारे घर की बहू बनकर जाएगी और उसमें मेरे लिए भी कुछ लिखा गया था पापा ने लिखा था कि डिम्पी अगर मुझे कुछ हो गया तो जवान होने के बाद तुम किसी और को पसंद नहीं करना जिस लड़के को मैंने तुम्हारे लिए चुना है तुम उससे ही शादी करना अब आपको ज़रा शर्म नहीं आई कि आपने मुझसे मेरे पिता के वादे के बारे में छुपा कर रखा आपने मेरे दादा दादी को तो मुझसे छुपा कर रखा था मैं सिर्फ अपने चाचा चाची को ही जानती थी और ये सोचती थी कि मेरे दादा दादी दुनिया में है ही नहीं लेकिन जब उस दिन आपने मुझे दादा दादी के बारे में सारी बात बताई तो मैं समझ गई थी कि इसलिए मेरी माँ ने मुझे दादा दादी के बारे में नहीं बताया क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया था और आपने अनुराग अंकल की पत्नी के बारे में भी बता दिया था कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया था लेकिन आपने एक बार भी अनुराग अंकल के बेटे राज का जिक्र तक मुझसे नहीं किया जबकि आप मेरी शादी संजय अंकल के बेटे पराग के साथ करवाना चाहती थी आपने ऐसा इसीलिए किया कहीं मुझे कुछ याद ना आ जाए कि राज मेरे बचपन का दोस्त है राज की मम्मी ने आपके साथ जैसा भी किया लेकिन वो पुरानी बात थी मेरे पापा तो मेरा रिश्ता राज के साथ पक्का करके गए थे और उसके पिता से वादा कर गए थे इसलिए मैं अपने पिता के किए हुए वादे को नहीं तोड़ सकती थी आपकी अलमारी से मुझे मेरे पापा के लेटर पड़े हुए मिले थे और उन्हीं के साथ साथ मेरे पापा की डायरी भी रखी हुई थी मैं उन डायरी में से एक डायरी को अपने पास लेकर आ गई थी और मैंने जब डायरी को पढ़ा तो उसमें ये सारी बातें लिखी हुई थी उसी में राज का एड्रेस भी लिखा हुआ था इसलिए मैं कॉलेज के बहाने से एक दिन रात से मिलने के लिए चली गई थी और उसको सारी बात बता दी थी खुशकिस्मती से मुझे वो लड़का मिल गया था जिसे मेरे पापा मेरे लिए चुनकर गए थे और माँ देखिए अब हम दोनों एक हैं मैं डिम्पी की बातें सुनकर रोने लगी थी और कहने लगी बेटी तुम्हारे पापा की फ्रेंड की पत्नी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी अगर उस घर में हो जाए तो वो औरत तुम्हारा जीना दुश्वार कर दे क्योंकि जिस औरत ने मुझे भी नहीं बख्शा तो फिर वो तुम्हारा क्या हाल करती और इसी औरत की वजह से मेरे सास ससुर ने भी मुझे घर से निकाल दिया था मुझे डर था कि अगर अपने पति के इस वादे की लाज रखते हुए तुम्हारी शादी राज से करवा दी तो राज की माँ सारी जिंदगी तुम्हें ताने देगी और परेशान करेगी और कभी तुम्हें सुखी नहीं जीने देगी और अगर मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहती तो मैं जीते जी मर जाती मुझे पता था कि जिस औरत ने मुझे मेरे ससुराल में नहीं टिकने दिया वो औरत अपने घर में उसी की बेटी के साथ क्या रिएक्शन करेगी मेरी बातें सुनकर डिम्पी रोने लगी थी वो मुझसे कहने लगी माँ मुझे पता था कि आपके पास ये सब कुछ करने से पहले कोई वजह रही होगी क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने सालों में आप में कोई बुराई नहीं देखी मुझे आपकी वजह मालूम हो चुकी है लेकिन माँ मैं अपने पिता के किए हुए वादे को पूरा करना चाहती थी तभी मेरा दामाद राज आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा आंटी टाइम बहुत आगे बढ़ चुका है अब हालात पहले जैसे नहीं रहे सब लोग अच्छे हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि माँ की तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी है कि वो अपने बिस्तर से खड़ी ही नहीं होती शायद उन्होंने जो आपके साथ किया भगवान ने उनको उनके किए की सज़ा दी है माँ को पैरालाइज हो गया है जिसकी वजह से वो ना तो बोल सकती हैं और ना ही हिल सकती है डॉक्टर ने कुछ दिनों का ही टाइम दिया है माँ की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है आप मेरे साथ चलो और माँ को उनकी गलती के लिए माफ़ कर दो शायद उनकी ज़िंदगी के जो पल रह गए हैं वो उनको सुकून से जी सके मेरी बेटी राज के साथ शादी तो कर चुकी थी अब मेरे पास इनकार करने की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही थी मैं राज और डिम्पी के साथ राज के घर चली गई थी मैं वहाँ पर गई तो राज की माँ कावेरी बहुत बुरी हालत में बेड पर लेटी हुई थी मुझे उसकी हालत देखकर बहुत तरस आ रहा था मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे वो कुछ बोल नहीं सकती थी लेकिन उसकी आंखों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे माफ़ी मांग रही हो मैंने उसके करीब जाकर कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया कावेरी अब हमारे बच्चे शादी कर चुके हैं इनको आशीर्वाद दो ये सुनकर कावेरी की आंखों से आंसू निकलने लगे थे और वो रो रही थी अनुराग भाई साहब भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे और उन्होंने बताया कि भाभी जब से कावेरी की तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई थी वो तभी समझ गई थी कि उसने आपके साथ गलत किया भगवान उसको इसी चीज़ की सज़ा दे रहा है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो आपसे माफ़ी मांगे इसलिए उसने कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं खुद रोशनी के घर जाकर उससे माफ़ी मांगूंगी लेकिन इसकी हालत तो ठीक होने के बजाय दिन ब दिन ख़राब होती चली गई थी और वो आपसे माफ़ी नहीं मांग सकी जब एक दिन हमारे घर डिम्पी आई और उसने सब कुछ बताया तो मैंने ख़ुद इन दोनों बच्चों की शादी करवा दी हमने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि हमें पता था कि आप कभी भी इन बच्चों की शादी के लिए तैयार नहीं होगी क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा किया गया था और मैं अपने दोस्त के वादे को भी पूरा करना चाहता था अनुराग भाई साहब मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे भाभी मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ मेरी पत्नी को माफ़ कर दो और साथ साथ मेरे बच्चों को भी जिन्होंने आपसे छुप शादी की मेरी बेटी खुश थी यही मेरे लिए बहुत था मैंने अनुराग भाई साहब से कहा अब जो हुआ सो हुआ आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं मैंने कावेरी को माफ़ कर दिया ये कहकर मैं अपने घर आ गई थी लेकिन अगले दिन जो खबर आई थी उसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी थी डिम्पी ने बताया कि कावेरी की मौत हो गई कावेरी की मौत पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था अब मेरी बेटी अपने ससुराल में रह रही है और बहुत खुश है इसी तरह से मेरे पति का सपना भी पूरा हो गया था और कावेरी ने जो किया था उसकी उसको सजा भी मिल गई थी दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले